Okay, another question is OTP issue in Pakistan. Okay, that's fine. OTP जो है वो पहले आपको पाकिस्तानी नंबर पे रिसीव हो जाते थे, मगर अभी वो रिसीव नहीं हो रहे आपको. इनफैक्ट जब आप अभी पाकिस्तान जो है ना वो सिस्टम ही नहीं है, तो पहले जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते थे या आप किसी अकाउंट की चाइल्ड असेस ले रहे होते थे, तो उस वक्त जो है वो आपको OTP पाकिस्तानी नंबर पे आ जाता था. अभी क्या है कि आप जब अकाउंट क्रिएट करें या आप किसी की अकाउंट की चाइल्ड असेस जब आप ले रहे होते हैं, तो इनिशियल अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप पाकिस्तान का लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा दिस कंट्री कोड इज नॉट वैलिड टू सेंड यू द OTP. काफ़ी सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पर OTP आपको रिसीव नहीं होता. नॉट द सोल्यूशन क्या है उसका, मैं इस क्वेश्चन के साथ आंसर में मैं इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि एक तो जब आप OTP के लिए जब आप नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही होती है उन कंट्रीज की. आई थिंक मोर देन 100 कंट्रीज हैं कि जिनमें OTP जाता है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. अब पहली बात तो ये है कि उनमें से किसी भी कंट्री के अंदर आपके कोई जानने वाले रहते हैं तो आप उनको कहेंगे कि आप अपना नंबर दे दें, आपके पास OTP आएगा. OTP रिसीव करने के बाद आप उनका नंबर वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं. वो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ फिर आपने OTP के लिए क्या करना है. और उसके अलावा जब आपको OTP आ जाए तो आप उसको प्रोसेस करेंगे और उसके बाद फिर आप उसकी टू रिकवरी सेटिंग में जाके आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप उस पर ऑथेंटिकेटर आप डाउनलोड कर लिया करें. ऑथेंटिकेटर मीन्स के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, गूगल प्ले में जाएंगे, ऑथेंटिकेटर वहाँ पे होगा, वो आप उसको सेंड करेंगे यहाँ पे और ऑथेंटिकेटर में ही आपका जो पासवर्ड है वो हर 20 सेकंड के बाद वो जनरेट होता रहता है. तो आपको जब भी उसमें अगेन लॉगिन होना है, पहली बात तो ये है कि अगेन एंड अगेन आपको लॉगिन के लिए डिटेल देने की जरूरत नहीं है, उसको सेफ ब्राउजर में आप डाल दें और दूसरे नंबर पे आप क्लिक कर दें कि डोंट रिक्वायर OTP फॉर दिस ब्राउजर. बट इन केस अगर आप लॉन्ग काफ़ी अर्से तक आपने लॉगिन नहीं किया और उसके अलावा या आपने लैपटॉप चेंज किया, बट व्हाटएवर द रीज़न इज, उस वक्त वो आपसे OTP मांगे तो वो OTP आप ऑथेंटिकेटर से दे के आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. अब उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि भाई इन केस अगर इन कंट्रीज के अंदर भी आप कहते हैं कि जानने वाला कोई नहीं रहता, तो सिंपल इज दैट कि जिन्होंने आपको चाइल्ड असेस दी है, जिनके लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप सिंपली आप उनको कह सकते हैं कि जी आप OTP के लिए एक नंबर दे दें, बाद में उसको हम डिलीट कर देंगे, तो आपका ये वाला इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा.